नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया में बढ़े दलितों की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया में दलितों की भागीदारी पर जोर देते हुए मंगलवार को कहा कि इससे समाज के निचले तबके के उत्थान में मदद मिलेगी। मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में आयोजित दलित उद्योगपतियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों का मकसद दलितों का विकास करना और उनका स्वाभिमान बढ़ाना है। इस सम्मेलन का आयोजन दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने स्थापना के 10वें वर्ष में किया है। सम्मेलन में देश भर से 1200 दलित उद्योगपति भाग ले रहे हैं। यूपी में सपा विधायक की कार की टक्कर से युवती की मृत्यु। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक की कार की टक्कर लगने से मंगलवार को एक युवती की मृत्यु हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में सपा के विधायक आलम बदी आजमी अपनी कार से लखनऊ से आजमगढ़ लौट रहे थे। लखनऊ भजावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अहमदपुर पुलिस चौकी के निबाह गाँव के नजदीक सड़क पर अचानक एक मोटरसाइकिल के आने से उनकी कार टकरा गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद विधायक दूसरी कार में बैठकर चले गए। हादसे में सोनी खातून की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका में चक्रवाती तूफान 2400 से ज्यादा उड़ानें रद्द। जबरदस्त चक्रवाती तूफान का सामना कर रहे अमेरिका के अधिकतर इलाकों में इस दौरान हुए भारी हिमपात और ओलावृष्टि के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञानी माइकल लेफ्ने ने बताया कि अलबामा में जबरदस्त तूफान के आने की चेतावनी सोमवार को जारी की गई थी। इस तूफान से अलबामा के अलावा मिसिसिपी और फ्लोरिडा राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में इस सप्ताह छुट्टियों के दौरान तूफान, बाढ़ और हिमपात के कारण 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। flightaware.com के अनुसार अमेरिका में सोमवार को 2400 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया और 3700 उड़ानें देर से रवाना हुई। ISIS पर अमेरिका नीत गठबंधन सेना ने किए 37 हवाई हमले। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक तथा सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ 37 हवाई हमले किए हैं। गठबंधन सेना की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि सोमवार को सीरिया के मनबिज में 11 हवाई हमले किए गए, जिसमें उनके सात सामरिक ठिकानों के साथ आतंकवादियों के प्रयोग की इमारत को निशाना बनाया गया। इसके अलावा हसाका, रक्का तथा मारा में 5 हवाई हमले किए गए। उन्होंने कहा कि इराक के 8 शहरों में 21 हवाई हमले किए गए, जिसमें रमादी में 3 हमले किए गए। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत। पाकिस्तान के स्वात, शांगला, मालकन डिवीजन तथा अन्य ऊपरी क्षेत्रों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 आंकी गई। भूकंप का केंद्र बशक नामक स्थान से 26 किलोमीटर पूर्व जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई में था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।